जी हाँ दोस्तों, अभी भी हमारी केंद्र सरकार की तरफ से सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो सभी लाभार्थियों के लिए हमारे केंद्र सरकार ने आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2022 से रसोई गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर के और साथ ही साथ गैस की सब्सिडी को लेकर के यानी कि हमारी केंद्र सरकार 1 मार्च 2022 से कई बदलाव करने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं और अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम लास्ट तक और पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम जो भी आगे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के ताजा या जो भी जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आवेदन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmujjwalayojana.com पर जाकर के आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और दोस्तों जैसे ही आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे तो आप किसी भी साइबर कैफे या किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर के आप सिंपल तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। तो ये हमारे भारत की सरकार ने हमारे देश में एक बार फिर से शुरुआत कर दिया है। अगर दोस्तों आपके घर में भी अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि फ्री वाला अगर आपको गैस कनेक्शन नहीं मिला है तो आप इसका आवेदन 1 मार्च 2022 से लगभग 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप 1 मार्च 2022 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन घर पर ही कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि हमारे भारत की सरकार 1 मार्च 2022 से इसके प्राइस को लेकर के क्या अपडेट जारी किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी एग्जैक्टली इसके प्राइस की कोई भी अभी खबर या जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जरूर कहा गया है कि हमारे 1 मार्च 2022 से अगर आपके घर में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी का सिलेंडर है तो उसके दाम में हमारे भारत की सरकार लगभग 93 रुपए की कमी करने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपके होटल रेस्टोरेंट यानी कि जो आपका कमर्शियल वाला सिलेंडर 19 किलो वाला है उसके दाम में हमारे भारत की सरकार अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे जो भी रसोई गैस सिलेंडर में परिवर्तन या बदलाव हो जाएंगे 1 मार्च 2022 को तो मैं आपको अपने इसी वाईफाई ज्ञान चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और आप में से ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हमें गैस की सब्सिडी का पैसा हमारे बैंक खाते में नहीं आता है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके भी बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप यस या नो में रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो वाह दोस्तों, आपको यह जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी कोई रसोई गैस सिलेंडर से रिगार्डिंग या कोई भी खबर या कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यही पर फ्रीज करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।